वेलकम टू द शो. आज वी आर टॉकिंग क्रिकेट. हम हमारे क्रिकेट बोर्ड जो है, क्रिकेट इन्फो एक वेबसाइट है क्रिकेट की, विजडन जो एक बाइबल समझी जाती है क्रिकेट की, उसके हवाले से जो भी एंट्री होती है वो ऑब्वियसली बाकी सारे मुल्कों की कम अज कम उनके क्रिकेट की एक्सप्लॉइट्स के बारे में होती है. न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया, इंडिया लायंस एट होम, लैम्स अब्रॉड, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर उरूज पर. लेकिन जब भी पाकिस्तान के ऊपर कॉमेंट्री आती है तो पिछले हफ्ते कम से कम कुछ इस तरह हुआ कि उमर अकमल साहब हेडलाइंस में आए क्योंकि उन्होंने एक ट्रैफिक कांस्टेबल को थप्पड़ मार दिया था तो वो क्रिकेट इन्फो पे आया. उसके अलावा जका अशरफ साहब री इंस्टेट हुए तो वो क्रिकेट इन्फो पे आया कि सियासत चल रही है, साहब वापस आ गए. उसकी अगली हेडलाइन आई कि सेठी साहब री इंस्टेट हो गए हैं, और बीच में एक हेडलाइन आई कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के अंदर एक किनारे पे लग गया है क्योंकि हमने बड़ों का साथ नहीं दिया और छोटों ने हमारा साथ छोड़ दिया. आज हम इस हवाले से बात करेंगे. क्रिकेट इन्फो पे एक और खबर आज लगेगी. सही सही के हमारे शो के हवाले से, क्योंकि वी आर प्रिविलेज्ड टू बी जॉइन्ड बाय दो साबिक पाकिस्तानी कैप्टन्स. कराची स्टूडियो में हमें राशिद लतीफ साहब ज्वाइन कर रहे हैं, नीड्स नो इंट्रोडक्शन. राशिद साहब बहुत शुक्रिया. और हमें लाहौर से अनदर क्रिकेटर हु डज नॉट नीड इंट्रोडक्शन, स्किपर साहब, फ्लैम्बॉयंट लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैट्समैन आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एज वेल. हम पहले, क्योंकि राहिद साहब आपकी इजाजत से, अगर आमिर साहब आपने क्योंकि एक ब्रीफ रिटर्न की थी क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन में और फिर ये सब लोग के साथ यू वर लेफ्ट इन द लर्च, ये जरा समझाएंगे ये क्या है बिग थ्री, ये क्या हो रहा है, हमारा क्रिकेट किधर खड़ा है और कौन इलीगल है कौन लीगल है? देखिये, बिग थ्री को तो थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेते हैं. जहां तक लीगैलिटीज की बात आ रही है, देखिये ये जो इंटरिम मैनेजमेंट कमेटी है, इन्होंने बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को फंसा दिया लीगल बैटल में. उसकी वजह यह है कि इन्होंने उनको इल एडवाइस किया, और जो इन्होंने कहा कि वो एडहॉक लगा सकते हैं. एडहॉक लगाने का एक तरीका होता है, अगर आपने किसी फाइनेंशियल ओमिशन के ऊपर अपने चेयरमैन को रिमूव करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, तो आपको पहले शो कॉज नोटिस देना जरूरी है, आपको कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन मांगना जरूरी है, उसके बाद आपको प्रूफ भी जो है फर्निश करने होते हैं पहले, बाद में नहीं. तो ये सारा मेलाफाइडी इंटेंशन हो गया. और दूसरी चीज ये है कि अभी तक जो है प्राइम मिनिस्टर साहब लीगली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ नहीं बने. उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ एसआरओ के ऊपर चेंज नहीं कर सकते. 18th अमेंडमेंट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन. जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में आपने कोई चेंज लेके आनी है तो इट हैज टू गो टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल फर्स्ट, जो आपका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है. उसके बाद ये जाके जाएगा जनरल बॉडी के पास, और जनरल बॉडी जो है वो उसको अप्रूव करेगी. अब मसला ये है कि जब पाकिस्तान का पहली दफा कॉन्स्टिट्यूशन आया 1953 में, जस्टिस कर्नेलिया साहब ने ये जब जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का इंप्लीमेंट किया, तो उसमें आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और जनरल बॉडी ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जिनको फेडरेशन का प्रेसिडेंट माना जाता था, आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनको दिया कि आप चेयरमैन और ट्रेजरर अपॉइंट करेंगे, और जो चेयरमैन आता था वो अपनी मर्जी से सेक्रेटरी लेके आता था जिनकी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग होती थी और जिनमें कॉम्पिटेंस लेवल होता था. अब अगर आपने पैटर्न इन चीफ चेंज करना था तो इट हैड टू कम टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल फर्स्ट, फिर उसको जाना था जनरल बॉडी के पास. तो ये तो एक बहुत बड़ी जो है लीगल ओमिशन हो गई है. अब इन्होंने जिस तरीके से एडहॉक लगाया, और अब ये आप सुनते हैं नजम सेठी साहब को कि जी वो कहते हैं कि जी मैं कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करूंगा. अब उनको ये नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज जो है वो कोई कमेटी नहीं करेगी. अब आपका जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह चेंज होता है, वो पहले एक बिल लाया जाता है, उसके बाद पूरी जो आपके दो हाउसेज हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हाउसेज है सेनेट, और उसके बाद जब आप नेशनल असेंबली की बात करते हैं तो वो उसको अप्रूव करते हैं. कोई फर्दे वाहद या कोई तीन जज बैठ के इसको चेंज नहीं कर सकते, हर चीज का तरीकेकार है. तो बेसिकली ये जो लोग हैं जिनको रूल्स एंड रेगुलेशंस का नहीं पता, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को काफी ज्यादा इस वक्त एम्बेरसिंग सिचुएशन में फंसवा दिया. ठीक है आमिर साहब, आपकी लीगल बातें जो हैं कुछ हद तक तो बहुत ज्यादा ठोस लगती हैं. मैंने स्टडी नहीं किया इसको लीगली एज अ केस, बट बीइंग अ लॉयर मैं समझ सकता हूं कि शो कॉज के बगैर इतने बड़े ओहदे से किसी को हटा देना, और फिर एडहॉक कमेटी इतने बड़े फैसले किस तरह कर सकती है, एडहॉक कमेटी की लीगैलिटी है कि नहीं, और पैटर्न इन चीफ जो है वो किस तरह बदला जा सकता है, इट मेक सेंस. बट लेट्स से कि ये तो अब फैसले कोर्ट में होने हैं. अगर अब हम आपसे एज अ क्रिकेटर एंड एज समवन जो क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझता है, ये पूछ सकें कि जका अशरफ साहब जो हैं बिग थ्री के हवाले से जो उनका रोल था और जो नजम सेठी साहब का अपना मौकिफ था बिग थ्री के हवाले से,
پاکستان کے لیے ان دونوں موقف میں سے کون سا پاکستان کے حق میں ہے اور پاکستان کو اب آئندہ کیا کرنا چاہیے بینگ دیٹ آلریڈی زکا صاحب کے انڈر ایک فیصلہ تو ہو چکا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جب ٹیبل ہوا سارا بگ تھری والا جو پروپوزل تھا یہ 9 جنوری کو ہوا اب 9 جنوری کو جو پاکستان کی طرف سے ریپرزنٹیشن تھی وہ آپ کے ایک تو سی او تھے اور اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب تھے اب یہ واپس آئے انہوں نے کسی کو ہوا نہیں لگنے دی کہ اتنا بڑا جو مسئلہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کو پیش آنے والا ہے نہ انہوں نے کسی کے ساتھ کوارڈینیٹ کیا میرا نہیں خیال کہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی اپرائز کیا ہوگا انہوں نے اپنے تک رکھا انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی اور سڈنلی جب کورٹ کا کیس آیا کورٹ کا ورڈکٹ آیا کہ زکا اشرف شوڈ بی دا چیئرمین آف پاکستان کرکٹ بورڈ تو یہ اس کے ان کے چیئر پہ آنے کے 3-4 دن بعد یہ کرک انفو کی طرف سے جب یہ ساری چیز باہر نکلی تو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی شروع ہوئی پہلے وہ دبا کے بیٹھ رہے یہاں پہ بھی آپ کو جو ہے وہ میلافائیڈی انٹینشن نظر آتی ہے اور جہاں تک نجم سیٹھی صاحب کا تعلق ہے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اپنے پروگرام پہ شہریار صاحب کو اس کے بعد احسان مانی صاحب کو بٹھا کے بڑے انہوں نے وہ اگریسولی کہا کہ پاکستان نے اگر سٹینڈ نہ لیا تو پاکستان کے ساتھ یہ ہو جائے گا پاکستان کے خلاف وہ ہو جائے گا اور جب زکا اشرف صاحب نے جو پوری دنیا کا نوشن تھا اس کو جا کے ٹیبل کیا پہلی دفعہ یہ آئی سی سی میٹنگ میں جب وہ گئے تو انہوں نے ڈینٹ ڈال دیا جاتے 2 ٹیئر آف ٹیسٹ کرکٹ تھے وہ انہوں نے ایک دم سے ختم کر دیا بگ تھری نے اس کے بعد اور زیادہ مراد جو ہیں وہ مختلف کنٹریز کو آفر ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ بگ تھری کی بجائے بگ فائیو والا چکر شروع ہو گیا کہ دو ہم لوگ اور بھی اس میں ممبر ڈال لیں گے تو بیسکلی انہوں نے جا کے جو اپنا موقف اختیار کیا اس سے تھوڑا بہت تو ڈینٹ ڈالا اب میرا نہیں خیال کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو نقصان ہوگا دیکھیں یہ بگ تھری والا جو معاملہ ہے یہ صرف اور صرف پیسہ نہیں ہے یہ پاور ریزیوم کرنا ہے آپ ذرا اس وقت سیناریو دیکھیں کہ جو ایلن آئزک ہیں آئی سی سی کے ہیڈ جو ہیں اس وقت نیوزی لینڈ سے ہیل کرتے ہیں نیوزی لینڈ کے جو مین ٹاپ پلیئر ہیں وہ میچ فکسنگ سکینڈل کے اوپر انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں ادھر سے انڈیا جو ہے ان کے اتنے بڑے نام جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ نے کورٹ کا ورڈکٹ دیکھا کہ چنائی سپر کنگ کے جو اونر ہیں جو سری نواز صاحب کے داماد ہیں وہ ان کو انہوں نے امپلیکیٹ کر دیا اب بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف جو کرکٹ کے ساتھ ایلز ہیں ان کو جو ہے یہ چھپانے کے لیے ہے کہ یہ بگ تھری اپنے پاس رکھیں دیکھیں ایک بہت زیادہ نوشن چل رہا تھا پوری دنیا میں کہ جو بھی میچ فکسنگ کا تانا بنا وہ جا کے انڈیا میں بنتا اور ایک جو تھا آئی سی سی میں جو آواز اٹھ رہی تھی کہ انڈیا میں بیٹنگ کو لیگلائز کیا جائے جس کی وجہ سے اس چیزوں کے اوپر قابو پایا جائے بیسیکلی یہ ان ایلیمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بگ تھری ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوا پاکستان کا جو موقف ہے آپ کو 1-2-3 سال میں پتا چلے گا کہ پاکستان کا موقف ٹھیک تھا کیونکہ انہوں نے جو جھوٹے وعدے کیے ہیں ابھی ووٹ لینے کے لیے وہ آگے چل کے لڑائیاں ہوں گی اور واپس آئی سی سی اسی شکل میں آئے گا انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کا سٹانس ہے صحیح ہے راشد لطیف صاحب یہ ایک تو یہ کامنٹ ہوگی کہ یہ سارا پیسوں کا کھیل ہے اب کرکٹ کو بھی پیسوں کا کھیل آپ سے بات کرتے ہوئے باقی سب لوگوں کا یا باسط علی صاحب کی جو سٹانس آئی تھی یہ بڑی دلچسپ تھی کہ ایک کرکٹ میچ کے دوران انہوں نے اپنے شک کا اظہار کر دیا کہ یہ کچھ عجیب سا ہو رہا ہے تو یہ بس ساری چیزیں وہیں پہ ہیں کہ طاقت چاہیے تاکہ یہ الٹی سیدھی چیزیں ہوتی رہیں ایک اوور میں 20 رن بنے اگلے اوور میں 2 رن بنے اس سے کچھ کسی کو فائدہ ہو جائے سارا ایسا نہیں ہے کہ ہم فکسنگ کی طرف لے جائیں کرکٹ بھی ہے اور دیگر معاملات بھی ہیں جہاں تک میرے خیال سے عامر بھائی نے سارا کور کر لیا بگ تھری کے حوالے سے بھی اور آئی سی سی کے حوالے سے بھی پاکستان کا جو موقف ہے میں اس کے فیور میں ہوں بالکل زکا صاحب ہوتے یا سٹی صاحب ہوتے کرنا یہی تھا کیونکہ فائدہ ان لوگوں کو ہے کہ جو انڈیا کے ساتھ سال میں بائیلیٹرل سیریز کھیلیں گے اگر بنگلہ دیش انڈیا سے کھیلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہوم سیریز میں جو پیسہ ملنا ہے اس کے رائٹس انڈیا ہی میں جائیں گے اور ٹھیک ٹھاک اس کی کوانٹیٹی ہوتی ہے ملینز میں ہوتی ہے اور پاکستان میرے خیال سے آئسولیٹ اس وجہ سے رہے گا کہ انڈیا نے بولا تھا کہ ہم پاکستان سے کھیلیں گے لیکن بی سی سی آئی کی پاور نہیں ہے کہ وہ بولے پاکستان سے کھیلیں گے اور کھیلیں گے ایسا نہیں ہے دونوں کنٹری کی اسٹیبلشمنٹ چاہے گی تو کھیلیں گے گورنمنٹ چاہے گی تو ہم کھیلیں گے ایسا نہیں ہے کہ پی سی بی اور بی سی سی آئی نے سیٹ کر لیا کہ ہم دبئی میں کھیلیں گے یا لاہور میں کھیلیں گے یا دلی میں کھیلیں گے ایسا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ سری نواسن نے میٹنگ سے پہلے بولا کہ پاکستان سے ہم کھیلنا چاہتے ہیں لیکن ہم ایگری نہیں کرتے اس چیز پہ کیونکہ جب بات ہوئی کہ اگر نہیں کھیلیں گے تو کمپنسیشن پے کرو گے انہوں نے کہا نہیں تو پاکستان تو وہیں کھڑا ہوا ہے اگر پاکستان سائن کرتا ہے تو اس کو فائدہ نہیں ہے نہیں کرتا تو فائدہ نہیں ہے یہاں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ
जो बेस्ट फॉलोअर्स हैं क्रिकेट के, जो कि क्रिकेट लविंग है, वो हैं ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड के. वहां के जो निचला तबका है जो क्रिकेट को फॉलो कर रहा है वो पाकिस्तान के बहुत फेवर कर रहा है और बहुत अच्छे कमेंट पास किए. इवन फीका जो प्लेयर एसोसिएशन की बॉडी है उसने भी कहा कि पाकिस्तान का मौके बिल्कुल ठीक है. आमिर भाई की बात सही है कि बाद में जाके प्रॉब्लम होंगी. सीरी नवासन है और जायद क्लार्क, इस वक्त दो ब्लैक एंड व्हाइट माफिया आप कह सकते हैं, वो रन कर रहे हैं क्रिकेट को. तो जब इनके अंदर, क्योंकि डालमिया अगेंस्ट है श्री नवासन के, क्योंकि इंडिया में अभी जो मैच फिक्सिंग का स्कैंडल आया है थ्रू डालमिया, और वो चाहता है कि श्री नवासन को फंसवाना. तो ये जब क्रैक आएगा इसमें, और इंडिया के साथ इतना अरसा नहीं चल सकते ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लैंड, जो आईसीसी के इवेंट्स है ना उसमें जो शेयरिंग वो इक्वल होनी चाहिए कि इवेंट्स में T20 का इवेंट आ रहा है या वर्ल्ड कप का, उसकी शेयरिंग. बाकी बायलैटरल में आप जितना कमाओ, इंडिया कमाए किसी को एतराज नहीं है, पीसीबी कमाए एतराज नहीं है, लेकिन आईसीसी से शेयरिंग जो इनकी ज्यादा हो गई है वो गलत है. आईसीसी के इवेंट अगर 10 टेस्ट प्लेइंग नेशन खेल रही है उनकी इक्वल होनी चाहिए. चलें इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन ये भी बात एक्सप्लोर करेंगे कि अगर इस वक्त इन तीन ममालिक का फायदा है तो आगे जाके ये फायदा कंटिन्यू जब ही कर सकता है अगर आगे जो ऑपोजिशन जिससे ये खेलेंगे वो भी किसी हद तक मजबूत हो. अब अगर इंडिया ने बांग्लादेश से खेलना है और न्यूजीलैंड से खेलना है और पाकिस्तान से खेलना है और आगे से ये टीमें बिकॉज ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट फ्रॉम द बिग थ्री थोड़ी अच्छी नहीं रहती इतनी, और यहाँ पे इंटरेस्ट क्रिकेट में खत्म होता है, कम होता है, या यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होता है, तो आगे फिर इंडियन आवाम भी क्या खुश होगी इस तरह का मैच देखने में. विराट कोहली ने अरिंदर प्रदेश और समथिंग में 400 रन बना लिए और न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने उनको 2 रन पे आउट कर लिया. बिल्कुल, तो ये भी बात एक आई थिंक इंडिया और बिग थ्री के भी सोचने की है. और आमिर सोहेल साहब और राशिद लतीफ साहब से इस बात को भी एक्सप्लोर करेंगे कि जब हम बात करते हैं कि ये आगे जाके अनरैवल होने वाला है तो शायद ये भी एक अनरैवलिंग का सबब बन सकता है. एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक. पहले कंक्लूड करेंगे बिग थ्री के टॉपिक को और फिर नजम सेठी और जका अशरफ साहब की सियासत और पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उस पर क्या उसके असरात हो सकते हैं उस पर बात करेंगे. राशिद भाई, लेकिन ये अगर हम कंक्लूड कर लें बात इस पे जिस पे हमने ब्रेक भी ली थी कि अगर ये अब अनरैवल होना है तो ये भी एक उसका सबब बन सकता है ना कि आगे अगर ऑपोजिशन यानी बाकी टीम के अलावा टीमें अगर अच्छी नहीं रही या इंटरेस्ट क्रिकेट में और इन्वेस्टमेंट क्रिकेट में वहां कम हुई. बिग थ्री में ये कहीं नहीं दिया गया कि ये टीम इससे खेलेगी और ये इससे खेलेगी. ये तीन आपस में बस खेलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, कहीं पे भी ऐसा नहीं है. ठीक है ना, इसमें सिर्फ शेयरिंग इन्होंने ज्यादा मांगी है आईसीसी में जो पैसा टीम में जमा होता है. फर्क करें, इसका ये इफेक्ट नहीं हो सकता कि जब ज्यादा इतने ही देखे ना, जब इतना ज्यादा पैसा तीन बोर्ड्स के पास जाएगा वो कैन देन री इन्वेस्ट इन क्रिकेट. कहना ये है कि गलत जो चीज और इंटरेस्ट जनरेट वो ज्यादा अपने मुल्क में क्रिकेट का कर सकते हैं तो बाकी ममालिक में क्रिकेट सफर कर सकते हैं. ये है कि अगर पाकिस्तान को 70 मिलियन मिल रहा है साल का तो उन्होंने बढ़ा के 90 मिलियन कर दिया है. पाकिस्तान का शेयर, पाकिस्तान को नुकसान नहीं है, ज्यादा ही मिल रहा है. लेकिन हमें नुकसान सिर्फ ये है कि इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेलेगा और गवर्नमेंट का आपस में अगर बात हो जाए, हालात सही होते हैं तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा फायदा है. लेकिन इंडिया बांग्लादेश से खेल रहा है, इंडिया जिम्बाब्वे से खेल रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया हर एक से खेल रहा है, वैसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन ये लोग ज्यादा खेलेंगे क्रिकेट, आपस में ज्यादा खेलेंगे. आगे देखें, ये 1.5 साल पहले तो ये शुरू हो चुका था. अगर आईपीएल की वजह से इंडिया कितना इम्प्रूव कर गया T20 में और वनडे इंडिया, ये आप मतलब कि लोगों की गलत फहमी है कि इंडिया इम्प्रूव कर गया. ठीक है ना, देखो इंडिया साउथ अफ्रीका में हारा, अभी इंडिया साउथ अफ्रीका में हारा, वो तो वनडे भी इंडिया नहीं, पाकिस्तान की टीम ऐसी है. देखे पाकिस्तान क्या फर्क पड़ता है, आईपीएल भी तो इंडिया में होता है, बट आईपीएल का फायदा हुआ ना. देखो आईपीएल पे मैं फायदा क्या हुआ, न्यूजीलैंड से जाके हो रहा है हर साल. नहीं, लेकिन वो तो एक सीरीज है. सारे आपका जो है, सारे T20 वर्ल्ड कप, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, जो सारे बड़े टूर्नामेंट जो साउथ अफ्रीका कभी नहीं जीत सकता और वो सीरीज जीत जाता है. इस बार जो सारे टाइटल है वो तो इंडिया के पास है. इंडिया के पास टाइटल जरूर है, लेकिन टेस्ट सीरीज, मैं पाकिस्तान का मिसाल लेता हूँ कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान, जैसे बाहर की कंट्री बोलते हैं कि हम नहीं खिलाएंगे या कुछ ऐसा, पाकिस्तान की टीम की डिमांड बहुत है पूरे वर्ल्ड वाइड या साउथ अफ्रीका की. दो टीमें ऐसी हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि नेचुरल क्रिकेटर हैं. जैसे ब्राजील फुटबॉल के तरह मशहूर है, भले वो परफॉर्म ना करे लेकिन लोग इंटरटेनिंग क्रिकेट देखना चाहते हैं. और पाकिस्तान टीम ऐसी है, ऑस्ट्रेलिया में जाएगी, इंग्लैंड जाएगी, साउथ अफ्रीका या इंडिया में डिमांड है. टीवी का पैसा इनको मिलता है, प्लेयर लोग आते हैं देखने. ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को आप बांग्लादेश या श्रीलंका से मिलाए, ऐसा नहीं है. श्रीलंका से नहीं मिला, पाकिस्तान खेलना. देखिए इंडिया का जो आईपीएल का लेवल है वो टोटली ना, मतलब ब्लैक को व्हाइट कर रहे हैं.
उसमें ये नहीं क्रिकेट भी दिखा रहे, फैंसी द्वारा दिखा दिए कि क्रिकेट हो ट्रेड अच्छा किया हुआ है। कितने उनके नए प्लेयर आए आईपीएल की वजह से? देखिए, ये फिर ये क्रेडिट हम उनके बोर्ड को देते हैं। देखिए, पैसा लेके आए उन्होंने, अपने कॉम के लिए किया, अपने प्लेयर्स के लिए किया। यहाँ पे मैं क्रिटिसाइज, इंडिया की तारीफ भी करेंगे और यहाँ पे अपने बोर्ड को क्रिटिसाइज करेंगे। अगर हमारे होम में नहीं हो सकता था लीग, तो आप दुबई में क्यों नहीं किए? हम लोग होम सीरीज दुबई में खेल रहे हैं ना, क्यों 20 प्लेयर हम जमा नहीं कर सकते दुनिया से? पाकिस्तान में इतना पैसा है कि हम 50 करोड़ लगा सकते हैं अपनी लीग के ऊपर, क्यों नहीं लगाते? ये फॉल्ट हमारे क्रिकेट बोर्ड का है। हम ब्लेम इंडिया को क्यों कर रहे हैं? हम अपने आप को ब्लेम करें कि आज हमने क्यों नहीं कराया। और अपने ही बोर्ड की सियासत की बात कर लेते हैं। आमिर साहब से कमेंट शुरू अगर करवा लें। आमिर साहब, ये अगर ऑन ह्यूमन लेवल सर, आपने ये तो कह दिया इंटरिम कमेटी है, उसने वजीर आजम को हॉट सूप में डाल दिया है अल्ट्रा वायरस काम करके सर, लेकिन एक सिंपल लेवल पे ये क्या हो रहा है? जका अशरफ साहब लॉबी करके वापस आए, नजम सेठी साहब लॉबी करके वापस आ गए, जका अशरफ साहब बाहर हो गए। ये क्रिकेट के लिए जो नुकसानदेह है या नहीं है वो तो विल सी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, लेकिन ये हो क्या रहा है ऑन अ ह्यूमन लेवल? लॉबी करके तो कोर्ट के ऑर्डर से वापस ये, इसका जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा बिग थ्री वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। देखिए, ये बिग थ्री वाला फॉर्मूला जो है ना, इनको हॉन्ट करेगा। आपको अब तो आपने जाके ये कहना है कि आप मेक श्योर करें कि जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो इतनी सीरीज इतने अरसे में जरूर खेलेंगे। अब जब ये ज्यादा पैसा लेके जाने की बात कर रहे हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, जब इनको फोर्स किया जाएगा कि जिम्बाब्वे को 3 टेस्ट मैचों की सीरीज, 5 वनडे और 2 टी20 हर मुल्क ने देने हैं, बांग्लादेश को भी इतने करने हैं, सब इवेंचुअली जो ये प्रॉफिट वहां से लेके जा रहे हैं इनके, वो बिल्कुल जीरो होंगे और देन दिल रियलाइज कि यार वो हम तो पैसा लूज करना शुरू हो गया। जस्ट वेट कि ये वेल थॉट आउट प्लान नहीं है, सिर्फ पावर अज्यूम करने के लिए था और ये जो जो इल जो जो करप्ट एलिमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए। जहां तक आप बात कर रहे हैं जका अशरफ साहब और जका अशरफ साहब को, तो देखें नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन में ये था, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते कि भाई ये 2-3 शिके जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, इनको चेंज कर दें, आपका एतराज खत्म हो जाता। जहां तक नजम सेठी साहब की बात है, जका अशरफ साहब को तो अदालतों ने बहाल किया, जहां तक नजम सेठी साहब की बात है, ये वो जिद्दी बच्चे हैं जो एक टॉय शॉप पे जाते हैं अपने बाप के साथ और इनको कोई खिलौना पसंद आ गया है और कह रहे नहीं अब्बा मुझे लेके दो, अगर नहीं लेके दोगे मैं सारी दुकान तोड़ दूंगा। ये है सही, और दुकान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है सर। पाकिस्तान क्रिकेट नहीं, दुकान पाकिस्तान क्रिकेट नहीं है। सही, पाकिस्तान क्रिकेट नहीं है, दुकान कोई और है, वो आप भी समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। दुकान से आप क्या की मुराद कुछ नहीं, एक्सप्लेन कर दे जरा दुकान क्या मतलब नहीं, अब आप भी मीडिया में, हम भी मीडिया में, तो आप बहुत मुश्किल से ये बात निकलवाना पड़ेगा आपको, इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। राशिद साहब हमारे साथ हैं, मैं बताऊंगा। लेकिन सर, राशिद साहब कौन सी दुकान है? नहीं, वैसे नजम सेठी साहब बहुत क्रेडिबल आदमी है, ये भी आपको जहन में रखना होगा कि मतलब जो भी कुछ भी है उनका करियर रहा है। जुबान से सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, और कहीं से नहीं सुना? नहीं सुना नहीं, लेकिन मस्जिद है हमारे लिए और बड़े प्रोग्राम करते हैं कम बंद कमरे में माशाल्लाह से। और जहाँ जका अशरफ साहब का की बात है, मैं फेवर नहीं कर रहा उनका, लेकिन जो उनकी उनको चेयरमैन रखा था वो भी लीगल नहीं थे, मेरे बड़े अच्छे जानने वाले भी हैं, सेठी साहब हैं इनकी भी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब को पावर है, बिल्कुल है, लेकिन पावर कौन किस तरह से यूज कर रहा है वो तो देखें आप। देखिये, पावर अगर मुझे दे दी गई तो मैं पूरे हरे भरे खेत को आग थोड़ी लगा दूंगा। आपने 41 क्लॉज पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज किया कि जका अशरफ साहब को हटाना है, वो बगैर चेंज किए भी हो सकता था, लेकिन उसमें 11 या 8 बंदे आपको नेक्स्ट हेड ऑफ कमेटी में लेके आने थे अपने पसंद के, इस वजह से उसको वैसे भी उनको हियरिंग देने के बाद निकालने की भी बात है। उन, उनको जो लेके आया गया ना, इस पे जाएं कि पाकिस्तान क्रिकेट का किस तरह नुकसान है कि अब सेटअप आए, इस पे बताएं। देखिए, मसला ये चेयरमैन, मैं और आमिर भाई देख रहे हैं 20-25 साल से इस सेटअप के अंदर है, चेयरमैन आते हैं जाते हैं, लेकिन हमें जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, हमारे रीजन की क्रिकेट जो तबाह कर रहे हैं लास्ट 20 इयर्स से, ब्लैकमेलर्स हैं सारे, और जो सेटअप क्रिकेट बोर्ड के अंदर है, इंटरनेशनल क्रिकेट को जो देख रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट को जो देख रहे हैं, हमारे सीईओ किस तरह ब्लैकमेलर हैं, क्या करते हैं? देखो, इसमें क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन जब होते हैं ना तो इनकी डिमांड होती है, आपको अगर 6 वोट चाहिए तो रीजन के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये प्लेयर डालने हैं, वो प्लेयर डालने, प्लेयर्स भी डलते हैं इसमें, प्लेयर्स भी डलते हैं, लेकिन पैसे का बड़ा अमल दखल है। मैं इस डोमेस्टिक सीजन की बात करता हूँ, डिपार्टमेंटल क्रिकेट अपना खर्चा खुद बर्दाश्त करता है, सारे डिपार्टमेंट, ग्राउंड का खर्च, सब कुछ, तकरीबन एक साल का तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ डिपार्टमेंट खर्च करता है, लेकिन रीजन जो 10 डिपार्टमेंट खेल रहे हैं वो अगर 2 करोड़ लगा रहे, 24 करोड़, तो ये हो गया कि पीसीबी का कोई खर्च नहीं हुआ, एक टूर्नामेंट हो गया,
सैलरी भी डिपार्टमेंट दे रहा है, लेकिन जब रीजन 14 रीजन खेलते हैं तो एक रीजन पे 1.5 करोड़ तो पीसीबी दे रहा है, ठीक है, उसकी अकोमोडेशन, उनकी सैलरी, उनकी सारी चीजें, 14 रीजन को संभालना, 35 करोड़ हमने लगा दिया और दोनों टूर्नामेंट पैरेलल चल रहे हैं। जो अच्छी क्रिकेट है वो डिपार्टमेंट की है, जो नंबर 2 क्रिकेट है वो रीजन की है। आप पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो 2 नंबर क्रिकेट पे कर रहे हो, जो आप नंबर दो आप दोनों मतलब ले सकते हैं इसपे, एक मतलब नहीं, दोनों मतलब आप ले सकते हैं कि सेकंड ग्रेड क्रिकेट जिसमें मतलब क्वांटिटी आपने बढ़ा दी, पैरेलल टूर्नामेंट करा रहे हैं, जो लड़के अच्छे हैं वो डिपार्टमेंट में। बासित अली साहब वाली ये जो उन्होंने नंबर 2 कहा था उसके बारे में जरूर बताएं। मैच के बारे में वो जो सियालकोट के मैच में देखो, ये बासित अली का जो ऑब्जर्वेशन थी, टीवी पे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अगर कह दिया तो होगा बासित अली या आमिर सुहेल कोई बात करेंगे या और कोई मतलब बड़ा क्रिकेटर बात करेगा तो उसको सीरियस लेना चाहिए। हमारे एंटी करप्शन यूनिट वहाँ पीसीबी के हाँ सारे मैच में होती है, वो कहाँ थी, होता क्या है, करप्शन किस तरह होती है, करप्शन बहुत तरीके से होती है। आपने किस तरीकों से होती है देखी या शक की? मैच फिक्सिंग के हवाले मैं सिस्टम की बात कर रहे हैं या सिर्फ क्रिकेट की बात? नहीं, क्रिकेट में किस तरह होता है कि बस हर मैच, जो हम लोग एक जमाना था क्रिकेट का, हम हर मैच को जो हारते थे उसको फिक्स कहते थे, अभी भी यही चल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत मिनिमाइज करने की कोशिश की है आईसीसी ने भी, पीसीबी ने भी, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब ये इंसिडेंट जो मैच का ऑस्ट्रेलियन वाला है, इसको सीरियसली लेना चाहिए था। अगर बासित ने बोला है तो, अगर बासित गलत है तो पीसीबी को उसको वार्न करना चाहिए या सजा देनी चाहिए। अगर बासित ठीक है तो अब सियालकोट की टीम को बैन। लेकिन सर वैसे भी वो ऐसे फतवा तो नहीं दे सकते ना टीवी पे कि ये मेरे ख्याल से, लेकिन इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी के बाद वो अगर कह देते हैं ये गलती कर दी ना टीवी पे, गलती कर दी, क्या होता है, इंक्वायरी को कॉल करने की बात की हद तक जो है वो एक अलग बात है, और इस तरह से शक करना क्या जैसे ये ऐसा हुआ है। आई थिंक आमिर सुहेल साहब ये नहीं बोल सकते कि ये मैच फिक्स था, लाइव नहीं बोल रहा, आप ये बोलते मुझे शक है ऐसा ऐसा है, लेकिन आप पीसीबी को इन्फॉर्म करें। सही है, वहाँ पे जो आमिर सुहेल साहब आप ये बताएं कि इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज के बावजूद आज भी क्रिकेट से ज्यादा पाकिस्तान में कुछ नहीं देखा जाता। इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल जब हुआ था, टॉक शो देखे जाते हैं, नहीं नहीं उससे टॉक शो क्रिकेट का नहीं मुकाबला कर सकते, शायद आज का कर जाए क्रिकेटर बैठे हुए। आप जी आप जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट आज भी नंबर 1 गेम है, देखिए आप सड़क के ऊपर जाएं, ठीक है, आपको हाई परसेंटेज जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनकी नजर आएगी, लेकिन लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डिस्टेंट कर रहे हैं। देखिए तीन तरह के क्रिकेट के साथ लोग मौजूद हैं, एक जो क्रिकेट खुद खेलते हैं, एक अफिशनाडोज एंड फैंस, और तीसरे जो है जो इन मैचेस के ऊपर शर्त लगाते हैं। अब शर्त लगाने वाला जो है वो भी जब हारेगा तो वो भी परे होता जाएगा, फैंस जो है वो ऑलरेडी जो है क्रिकेट से वो डिस्कनेक्ट करना शुरू कर दिया, तो डेंजरस हालात तो है पाकिस्तान क्रिकेट के, इसमें कोई शक नहीं है। सर ये किस तरह आप कह रहे हैं कि फैंस ने डिस्कनेक्ट करना शुरू, मेरा तो सवाल ये था कि नजर ये आता है कि अभी भी लोग क्रिकेट उसी तरह देखते हैं, अब नंबर 1 स्पोर्ट्स नहीं है या टीवी पे नंबर 1 चीज है, लोग देख रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम मैं भी मैच नहीं देखता आप टीवी के ऊपर, जिस मैच को मैंने जिसके ऊपर काम करना हो वही मैं मैच देखता हूँ, अदरवाइज मेरे पास टाइम भी नहीं, और मुझे अब शौक भी नहीं रहा। तो बाकी भी काफी जो मेरे साथ लोग हैं वो भी कहते हैं कि हम नहीं देखते भी मैच। इज इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी इज माई क्वेश्चन, कि भाई लोग क्या शक करते हैं यार ये क्या करेंगे देख के, अच्छा तो रेसलिंग देख लें, इस तरह की सिचुएशन है भाई का मतलब, इन मैचेस अब होते भी तो बहुत है ना, हर मैच फॉलो नहीं कर सकता बंदा जो काम करने वाला आदमी है। जी आमिर साहब मुझे आपका क्वेश्चन आमिर भाई का जो कहने का मतलब कि नहीं फॉलो कर रहे, मेरे ख्याल से अब जो ये लास्ट 4-5 ईयर में पढ़े लिखे लोग शायद फॉलो नहीं कर रहे, इतनी ज्यादा नहीं कर रहे, फॉलोइंग नहीं है क्रिकेट की, अब निचले तबके का लोग बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, उसमें बैटिंग भी हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं। बैटिंग को लीगलाइज कर देना चाहिए पाकिस्तान में, फिक्सिंग को भी लीगलाइज कर देना चाहिए। नहीं, फिक्सिंग और बैटिंग हैंड इन हैंड चलती है, मतलब इंग्लैंड के अंदर जमाने से बैटिंग हो रही है, बैटिंग हो रही है ना, फिक्सिंग डिफरेंट क्या है? नहीं सर मैं बैटिंग की इस वक्त कह रहा हूँ, अगर बैटिंग पाकिस्तान में जुआ तो वैसे ही हराम है ना पाकिस्तान में, करी सर मारा इंटरेस्ट हराम है, वो कुछ इस तरह करके आप वो कानून छोड़ दें, बैटिंग जो है वो लीगल पाकिस्तान की ना बात लीगलाइज, इंडिया में तो आप समझते हैं कि बेहतरी आएगी लेट से अगर इंडिया जैसे मुल्क में इसको लीगलाइज कर देते हैं? नहीं, नहीं सिर्फ जो मैंने अपना देखा है कि अब लाइव टेलीवाइज जैसे आ रहा है, बॉल टू बॉल 5-6 सेकंड का डिले होता है, वो 30 सेकंड डिले कर दें तो उसमें बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि फैंसी फिक्सिंग नहीं होगी, कोई भी फिक्सिंग का बहुत मुश्किल हो जाएगा, या तो प्री प्लान पूरा मैच बनाया हो तो उसमें हो सकता है, क्योंकि जो बॉल गिर चुकी है
मतलब कि जो आप देख रहे हैं लाइव वो तो गिर चुकी है, तो इसलिए कोई घर पे ऐसे बैठ के बैट नहीं लगाएगा। हाँ, ग्राउंड से लग के जरूर हो सकता है, बैठ के जरूर हो सकता है, लेकिन जो बॉल ऑलरेडी हो चुकी है वो आप नाजरीन हमारे टीवी पे देख रहे हैं, सही तो बैट नहीं हो सकती। सही, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आमिर सुरेश साहब से भी वही एक चीज करवाएंगे, लेकिन ये जो चलें गैम्बलिंग का पाकिस्तान में तो दैट वाज ऑफ द कफ, लेकिन इंडिया में अगर लीगलाइज हुई तो सबसे बड़ी प्रोपोनेंट जो है वो इस बात की इसलिए है, इसलिए कि जब आप इस पूरे काले धन को टैक्स के अंदर ले आएंगे तो वो सबसे द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू टैक्स इस सर्विस इंडस्ट्री में फिर आपके ये बुक मेकर्स हो जाते हैं, आपकी इकोनॉमी को ईंधन मिलता है। आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। ब्रेक से पहले राशिद लतीफ साहब कमेंट कर रहे थे क्रिकेट के अंदर, इंडिया के अंदर अगर जुए को वो किसी तरीके से उसकी इजाजत दे दें तो उसका क्रिकेट पे क्या असर होगा। अब आमिर सोहेल साहब से सवाल लेते हैं और फिर ये इसकी हमारे इंटरनल क्रिकेट की सियासत की बात करेंगे। आमिर साहब, पहले तो ये बताएं कि अगर अलाउ हो जाती है, वो कह रहे हैं इकोनॉमी को बेनिफिट होता है, लोग ओपन में आ जाते हैं, ये अंडर हैंड डीलिंग्स कम हो जाती हैं, जो बुकी साइलेंटली बैक करता था वो उसका प्राउडली वो स्टैंप अपने कंधे पे एज अ स्पॉन्सर पहनते हैं, यानी कि सिचुएशन साफ हो जाती है या मजीद खराब हो जाती है? देखिए, उसमें फिर थोड़ा सा तो आपको कंट्रोल आ जाएगा ना जी। अब आपके जो फोरेंसिक इंस्पेक्टर्स हैं पूरी दुनिया में जो ये करते हैं, तो इंग्लैंड में आप देखिए काफी ज्यादा कंट्रोल में है चीजें, जब आप बुकीज की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में देख ले वहां पे चीजें कंट्रोल में है। आउट ऑफ पैटर्न कोई भी अगर शर्त लगती है तो वो फौरन से इनके पास सॉफ्टवेयर है वो बोलना शुरू कर देते हैं कि इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। जहां तक आप इंडिया की बात कर रहे हैं, देखिए अगर आप ये मुझे कह रहे हैं कि अगर इंडिया के जो बुक मेकर्स हैं वो लीगलाइज होते हैं तो इनकी इकोनॉमी आएगा, लेकिन वहां पे डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। दे आर प्रोटेक्टिंग माफिया। आप देखें ये इंडिया की जो थिंकिंग है वो रशिया के साथ बहुत ज्यादा अलाइंड है, ऑल दो रशियन फेडरेशन जो है वो टूट चुकी है, लेकिन आप ये देखें कि रशियंस ने वापस जब कम बैक किया, अपनी इकोनॉमीज को बेहतर किया, उन्होंने पहले सोने के ऊपर एम्फोसिस किया, सोना खरीदा उन्होंने पूरी दुनिया से, उसके बाद देखें उन्होंने बड़े बड़े फुटबॉल क्लब्स खरीदे, उन्होंने बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें इन्फिल्ट्रेट किया, उसके बाद उन्होंने अपनी इकोनॉमी को तगड़ा किया, अंडरग्राउंड जो उनका माफिया उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया इकोनॉमीज को, वही चीज इंडिया कर रहा है। अब इंडिया को आपने आईसीसी में इस लेवल के ऊपर लेके आना है कि भाई आप बिग थ्री में तो आना चाह रहे हो, लेकिन ये नहीं होगा पहले आप अपना जो बुकी सिंडिकेट है उसको लीगलाइज करवाएं, आप वहां पर जाके सही तरह अपना होमवर्क करके इनके साथ बात करेंगे तो आप इनको अंडर प्रेशर लेके आ सकते हैं। अगर आप नहीं बात करेंगे लॉजिक के साथ और किसी प्लान के तहत तो फिर आप जो है स्क्वीज होते जाएंगे। सही है आमिर साहब, चले ये फिर लास्ट कॉर्नर ऑफ द शो है तो इसके ऊपर ये जरा सिंपल कमेंट्स ले लें। नजम सेठी साहब, जब जका अशरफ साहब बहाल होते हैं तो सेठी साहब के पास प्लेटफॉर्म है, उन्होंने आके कहा कि जी बहुत अच्छा है, मैं तो कभी चाहता भी नहीं था ये काम करना और बहुत मुश्किल काम था, और फिर वो बहुत मुश्किल काम करने फिर वो फिर से अपॉइंट हो गए, तो ये सच क्या है कि वो वाकई में खिदमत खल्क कर रहे हैं या फिर ये मतलब कुछ और है? देखे, एक तो ये जो लफ्ज है ना, मैं मुल्क की खिदमत कर रहा हूं, हम सारी तंग आ गए इससे, क्योंकि अगर मुल्क की सारों ने इतनी खिदमत की होती तो मुल्क का ये वाला हाल ना होता। ये मुल्क की खिदमत नहीं करने आते, ये कुछ और करने आते हैं। देखें, नजम सेठी साहब से मेरा जो एक बहुत बड़ा नोशन ये है कि वो टीवी के ऊपर बैठ के ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी की फलां फलां, जब एक इलेक्टेड चेयरमैन को आपने एडहॉक के जरिए रिमूव किया तो इनको इनकार कर देना चाहिए था। इंटरिम तो हद तक ठीक था, उसमें हमें भी कोई एतराज नहीं था, हम भी कुछ नहीं बोले, लेकिन एक इलेक्टेड चेयरमैन चाहे जिस तरह भी हुआ हुआ है, आप उसके प्रोसीजर के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, आप उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सैकिंग विदाउट एनी प्रोसीजर अडॉप्टेड और उनका ले लेना जो है वो काफी ज्यादा जो है वो चीजें आपके दिमाग में डालता है कि यार ये क्या हमारी जो अलीट है पाकिस्तान की, ये कब जो है जो ये मुंह से बोलते कुछ हैं और इनके एक्शन जो है ये कब कंप्लाई करेंगे एक दिन को, ये बहुत बड़ा शोकनाक अमर है पाकिस्तान में। प्राइम मिनिस्टर की इसमें क्या मोटिवेशन थी, क्या ऑब्जेक्टिव था कि उन्होंने इस तरह से इनकी बात सुन ली, आपके बकौल वो बातों में आ गए, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? जका अशरफ साहब को हटाने का प्रोसीजर भी प्रोवाइडेड मतलब हो सकता था, उस तरह सही तरह भी इनको हटाया जा सकता था, तो ऐसा आपके ख्याल से ये पीएम साहब ने ऐसा क्यों किया?
देखिए ही मस्ट बी अंडर प्रेशर एंड ही मस्ट बी इल एडवाइज कि आप करते हैं. देखिए वही बात आ गई ना, जिद वाली बात आ गई, क्योंकि इनके इनके ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ हुआ है और ये इनका जो इन्होंने एक टोला लगाया हुआ है अपने पीछे. अब देखें एक मजाका खेज बात यह है कि आप एसआरओ पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि हमने गवर्निंग बोर्ड डिसॉल्व कर दिया. अब उस गवर्निंग बोर्ड में से तीन बंदे वो गवर्निंग बोर्ड के उन्होंने अपने साथ मिलाए हुए हैं, तो आपको समझ नहीं आ रही कि ये एक क्रिकेट का जो माफिया है. जब ये जका अशरफ साहब ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि हमने इनको रेड करना है पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने के लिए, तो इन्होंने अपना नया ग्रुप फॉर्म करके उनका लीडर बना दिया नजम सेठी साहब को. और नजम सेठी साहब भी जो है वो उनको क्रिकेट के मामला का कुछ भी नहीं पता, उनको सिर्फ कैमरे के आगे स्क्रिप्ट पढ़ने के अलावा और चिड़िया के अलावा उनको एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ नहीं पता. उसकी वजह यह है कि उन्होंने जब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, इलेक्शन में क्वेश्चन मार्क लगवा दिया. अब आप उनकी क्रिकेट में वर्किंग देखें तो इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं, इन टोले के वो सरबरा बने हुए और उनको जो एडवाइस कर रहे हैं वो आगे बढ़े. अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इनके ऊपर एक इल्जाम लगा जका अशरफ साहब के ऊपर कि ये अपनी फैमिलीज के साथ ट्रेवल करते रहे और 2 करोड़ का खर्चा हुआ. अब भाई आपकी जो जो आपकी जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट होम पे होनी थी वो अब दुबई में हो रही है. अगर आपका चेयरमैन जाएगा अपनी बेगम के साथ तो खर्चा तो होगा, और दुनिया के दूसरी जगह पे भी जाएंगे तो खर्चा तो होगा. अब जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट में क्रिकेट बोर्ड के एज ए सरबरा जिन्होंने सबसे ज्यादा ट्रेवल किया वो इस कमेटी में बैठे हुए हैं शहरयार हसन खान साहब, वो अपनी फैमिली के साथ हर जगह ट्रेवल करते थे. भाई आप शीशे के घर में बैठ के पत्थर मत फेंकें. सही है, आप अपना जो है सोच समझ के कोई बात करें. अभी भी आप देख लें उनके जो एक्शंस है उनको किसी प्रोसीजर का ही नहीं पता. All right. उनको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के 18वें आर्टिकल का नहीं पता. जब वो एड की बात करते हैं कि जी एड देना क्रिकेट बोर्ड में बहुत ज्यादा लाजमी है, उनको ये नहीं पता ये स्टैट्यूटरी बॉडीज में नहीं होता. अब आपने उस वक्त एड देना जहां पे पब्लिक ऑफिस के लिए किसी को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, आपने एड उस वक्त देना है जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सचेकर का पैसा है. जो प्राइवेट इदारे हैं वो हेड हंटिंग कर सकते हैं, इनको ये भी नहीं पता. ये अपना मजाक उड़वा रहे हैं और अपनी ये क्रेडिबिलिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खोते जा रहे हैं. जब मैं स्पेशली इनका प्रोग्राम बैठने देखा तो आपने इनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, जो अपना प्रोग्राम करते हैं टोटली गॉन. अब प्रोग्राम देखेगा, मैं देखता था अब नहीं देखूंगा. जी जी, आमिर भाई ये जो एड की बात कर रहे हैं ये आपकी जो जॉब थी उसके बारे में बात है क्या? जी जी नहीं नहीं, राशिद ये इन्होंने मेरे बारे में भी कहा, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ इसकी जरूरत नहीं है. 2008 में मैं जब डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट बना, आमिर भाई ये कौन सा डायरेक्टर है जो एड के जरिए आया हुआ है? आमिर भाई साहब जो थे वो एड के जरिए आए थे. आमिर भाई ये सेनेट में क्वेश्चन उठा था उस वक्त जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो वकील थे उन्होंने सेटिस्फाई किया, उसके बाद अंडरस्टूड होगी चीज. लेकिन इन लोगों को समझ ही नहीं है ये जो प्रोसीजर्स हैं और जो रूल्स हैं वो किस तरह इम्प्लीमेंट होने हैं. आमिर भाई मसला यही है कि देखें आपके बारे में कहा कि एड नहीं दिया और इसकी वजह से इलीगल थी, तो आपकी जगह तो हारून रशीद साहब को जो रख लिया ठीक रखा, लेकिन क्या उनके लिए एड दिया 5 दिन के अंदर? नहीं दिया. तो अपने खुद गलत साबित कर दिया. राशिद इतराज ही नहीं कर रहा. नहीं बिल्कुल, मैं तो इतराज ही नहीं कर रहा. क्योंकि नहीं, आमिर भाई आमिर भाई स्टैंडर्ड है ना, मैं यही बता रहा हूँ आमिर भाई, यही बता रहा हूँ. ये हारून भाई को जो रखा है वो आपकी जगह रखा है. क्या जॉब दी उन्होंने? अगर वो पीसीबी में ऑलरेडी काम कर रहे थे तो क्या प्रोमोशन का ऐसा क्राइटेरिया है जो कि वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टरशिप पे चले जाए? क्योंकि आपके जो पीसीबी के जो सर्विस रूल होगी उसमें जरूर होगा, लेकिन मेरे पास सर्विस रूल है जो मैंने पढ़ी है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि प्रमोशन कैसे होगी. प्रमोशन फिर अगर प्रमोशन नहीं है तो फिर एडवर्टाइज होगा. एडवर्टाइज हारून भाई का नहीं हुआ. मैं ये नहीं कह रहा हारून भाई को कोई जरूरत है आमिर. चले इस पे आखिरी बिल्कुल ऐड करना चाह रहा हूँ अगर आप मुझे इजाजत दें. जब मैंने डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट अभी ज्वाइन किया तो जाते मैंने पूछा कि जी जो मेरे अंडर 135 लोग हैं जरा उनके लास्ट 3 इयर्स के अप्रेजल तो लेके आए. अच्छा, और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में मुझे बताएं. अप्रेजल नहीं हुए हुए, आखिरी बात है, अप्रेजल राशिद नहीं हुए हुए, आप प्रमोशन किस तरह कर सकते हैं? आमिर साहब एक बिल्कुल आखिरी, क्योंकि लम्हात हैं तो कुछ लोगों का इंटरेस्ट इसमें भी होता है कि कुछ जो अभी रिसेंट चॉइसेस हुई हैं जैसे कोच की, पहले लग रहा था वकार यूनुस बनेंगे, बन गए मोइन खान, ये किस तरह हुआ? हालांकि दोनों को केपेबल समझा जाता है, दोनों केपेबल हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहूंगा. आई विश देम लक, और मैं समझता हूं कि ये जो लोग पाकिस्तान टीम के साथ जा रहे हैं ये जाके 2 मेजर टूर्नामेंट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान ने खेलने, एशिया कप और जाके इन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेलना. आई विश देम ऑल द लक,
और इनको हमारी तरफ से भी कोई सपोर्ट होगी हम देने के लिए तैयार हैं. वी वॉन्ट पाकिस्तान टीम टू विन, वी वॉन्ट आर एक्स क्रिकेटर्स टू एक्सेल, वी डोंट वॉन्ट पीपल फ्रॉम आउटसाइड कम इन द क्रिकेट बोर्ड एंड स्टार्ट डिसरिस्पेक्टिंग अस और इंसल्टिंग अस. मोइन खान को मैं पूरी तरह बैक करूंगा इंशाल्लाह ताला. अगर कल जकाश अशरफ साहब आ भी जाते हैं कोर्ट केस के ऊपर दोबारा बहाल हो जाते हैं, आई विल मेक श्योर कि मोइन खान को टच ना किया जाए. सही है राशिद लतीफ साहब, एक फाइनल कमेंट ये, एक तो आप उस पर वे इन कर दीजिएगा, ये सब लोग खिदमत अवाम की करने आते हैं. तो इसी तरह बासित अली साहब ने कहा था कि ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं कम अज कम जो बगैर पैसे लिए क्रिकेट के अंदर कोशिश करना चाहते हैं क्रिकेट को बेहतर करने की. आप मानते हैं इस बात को या फिर वो भी काफी लोग हैं क्योंकि हमारे पैकेजेस देखे जाते हैं, कोई भी हर कोई पाकिस्तान टीम की खिदमत के लिए तैयार है. कोई भी ग्रास रूट की कराची की लाहौर की पिंडी की क्रिकेट सही करने के लिए कोई टेस्ट क्रिकेटर खड़ा नहीं होता. हर कोई रीजन की जॉब मांगता है या एनसीए में जॉब मांगता है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब. आपने अकेडमी बनाई है? मेरी तो अकेडमी चल रही है, ठीक है ना. मुझे इनसे कंपेयर नहीं कीजिएगा कितने भी प्लेयर हैं, क्योंकि मैं ना बोर्ड में जॉब चाहता हूँ ना मैं इनके साथ काम करना चाहता हूं, क्योंकि इतना करप्शन हो गया ना. मेरे घर वाले बिल्कुल करीब जाने नहीं देते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, मतलब ये क्योंकि मैं इनके साथ बैठ गया तो करप्शन का चार्ज मेरे ऊपर भी आएगा. इस वजह से अवॉइड करें, इनसे दूर रहें. मीडिया सबसे अच्छी जगह है, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ से एनालाइज करें, मेरे ख्याल से बेस्ट प्लेस है ये. अंदर जाके भी तो आप इम्प्रूवमेंट, अच्छे लोग जाएंगे ही नहीं फिर तो किस तरह होगा. हमें साहब भी तो जिस तरह से यहाँ पे एमकेएम का चीफ मिनिस्टर नहीं आ सकता सिंध में, इसी तरह हम भी पीछे में नहीं जा सकते. नहीं ये बड़ी सियासी बात कर दी आपने, तो हमें साहब ये कुछ ज्यादा सियासत की तरफ नहीं चले गए राशिद साहब? नहीं, राशिद का नोशन बिल्कुल ठीक है जी. अच्छा. क्योंकि मैं भी अपने आप को बहुत ज्यादा देर तक डिटैच रखा हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन दिस टाइम अराउंड जब ये थोड़ा सा जकास साहब ने गन साफ किया तो आई थॉट कि ही सीरियस कि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे चले. और उन्होंने मुझे ये मैंडेट दिया था कि आपने जो राशिद बात कर रहे हैं कि आपने ग्रास रूट लेवल के ऊपर बड़े नामों को इन्वॉल्व करके क्रिकेटर्स के हाथ क्रिकेट के ऑपरेशन देने हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो चले गए. लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वापस आएंगे. अदालतों के ऊपर इस वक्त बहुत बड़ा प्रेशर है, वो इसलिए कि आप जब 99 में जब नून लीग की हुकूमत गई थी तो उनका नोशन ये था कि हमें हमारे साथ ज्यादती की गई है. उसके बाद इन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब का यही कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड करने के ऊपर मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा है. अगर इन्होंने जकाश अशरफ को रिलीफ ना दिया तो फिर इनको परवेज मुशर्रफ साहब का मुकदमा बंद करना पड़ेगा. ये दो डबल बंद हो जाएगा आमिर भाई. नहीं ये अब आप ये हम शुरू हुए थे क्रिकेट पे, ये खत्म कर रहे हैं शो. पांच मिनट पॉलिटिक्स ही कर लेते. एक फाइनल कमेंट ये कि ये सहाफियों के हवाले से सेठी साहब बाकी में एक बहुत बड़े सहाफी रहे हैं, बहुत एस्टेब्लिश्ड हैं, लेकिन नॉर्मली मतलब ये मेरी कमेंट नहीं है, ये ट्विटर पे एक बड़े सहाफी की कमेंट थी कि अमूमन जो मुहज़्ज़ब माशरे होते हैं उसके अंदर एक सहाफी का हुकूमत के साथ जुड़ जाना, चाहे वो जिस भी हैसियत में जुड़े, उसको काबिल फखर नहीं समझा जाता. आप देख रहे हैं एजेंडा 360, facebook.com/agenda3 जाके आप इस शो के बारे में, क्रिकेट के बारे में जो कमेंट करना चाहें, राशिद साहब ने जो कहा, आमिर साहब ने जो कहा, उस पर कॉमेंट करना चाहें, यू कैन फील फ्री टू डू इट. बैक विद यू नेक्स्ट टाइम.